खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधिजा और आप देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों के साथ। लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 27 नवंबर को होगी सुनवाई। चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज टल गई है। अब 27 नवंबर को हाई कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई का सीबीआई विरोध कर रही थी और कोर्ट से सीबीआई ने वक्त मांगा था, जिसके बाद सीबीआई के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। 23 नवंबर तक कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर फाइल करने का निर्देश दिया है। लालू के वकील ने कहा कि सीबीआई ने जानबूझकर सीबीआई काउंटर फाइल पहले नहीं किया। सीबीआई जानबूझकर चाह रही है कि लालू प्रसाद और 15 दिन जेल में रहे, लेकिन हम लोग ने इनका विरोध किया है। फैक्ट्री का वायरल फटा, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 की हालत नाजुक। सामने आ रही है पूर्णिया से यह खबर। सदर थाना क्षेत्र के पूर्णिया सिटी स्थित जूस फैक्ट्री का वायरल ब्लास्ट करने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, वहीं 3 लोग की हालत नाजुक बताई जा रही है। वोटिंग से ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका, विधायक राजकिशोर सिंह ने दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरी चरण का मतदान शनिवार को होने वाला है। तीसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ा झटका लगा है। जेडीयू विधायक राजकिशोर सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिहार में मिले कोरोना के 746 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,20,992। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 746 लोग कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,20,992 हो गई है। बिहार में फिलहाल 7,572 कोरोना के एक्टिव मरीज मिले हैं। नीतीश ने कर दिया राजनीतिक से संन्यास का ऐलान, धमधा में बोले ये मेरा अंतिम चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार की आखिरी दिन अंतिम जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का खुलासा किया कि मौजूदा चुनाव उसका आखिरी चुनाव होगा। नीतीश कुमार ने धमधा विधानसभा में आखिरी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। सीबीआई ने पोस्टमास्टर को किया गिरफ्तार, एजेंट से ले रहा था 7,000 रुपए घूस। पोस्टमास्टर को सीबीआई की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार कर लिया, वह एक एजेंट से पैसा ले रहे थे। इस दौरान ही सीबीआई की टीम ने यह कार्रवाई की। यह कार्रवाई बक्सर के नई बाजार में हुई। दीपावली से छठ के लिए पटना से 5 जोड़ी ट्रेन और चलेगी, ECR ने लिया निर्णय। कोरोना काल में दीपावली और छठ महापर्व के यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त 5 जोड़ी ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। पूर्व मध्य रेल की ओर से 10 नवंबर से 2 दिसंबर तक पटना से रांची, धनबाद, बरकानान, सिंगरौली व दुर्ग के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। पूर्व मध्य रेल के CPRO ने बताया कि यात्रियों की भीड़ को ध्यान में देखते हुए पटना से 5 जोड़ी समेत कुल 6 जोड़ी और ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। नीरज कुमार और अशोक चौधरी आज से नहीं रहे नीतीश कैबिनेट के मंत्री, 6 महीने से किसी भी सदन के नहीं हैं सदस्य। बिहार के सूचना एवं जन संपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार और भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की कुर्सी चली गई है। दोनों आज से बिहार सरकार के मंत्री नहीं हैं।
पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से नीरज कुमार और अशोक चौधरी दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। सीमांचल में वोटिंग के ठीक पहले गिरिराज ने खोला पॉपुलेशन कार्ड, बोले बिहार में शांति रहे इसलिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। बिहार में कल तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है जिसमें सीमांचल भी शामिल है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जनसंख्या नियंत्रण का एक बार फिर से मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शांति रहे इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण जरूरी। दिनों सदर अस्पताल बिहार शरीफ के मरीज के साथ साथ व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। इस कारण में आशा की सबसे बड़ी भूमिका बताई जा रही है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम उठाने से अस्पताल प्रशासन हिचक रहा है। ताजा मामला सदर अस्पताल में देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि महिला ओपीडी में ड्यूटी कर रही थी, चिकित्सा डॉक्टर सीमा कुमारी पर नूर सराय की आशा नीतू कुमारी मरीज को अल्ट्रासाउंड लिखने के लिए दबाव बना रही थी। डॉक्टर द्वारा जब अल्ट्रासाउंड लिखने से मना किया गया तो आशा द्वारा देख लेने की धमकी दी गई। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371177 7325052437।